एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मैं हूं मनीषा। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इस फेस्टिव सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी कुछ रेड कलर की साड़ियां। ये सभी साड़ियां मेरे वार्डरोब से है। मेरे पास जो भी रेड कलर में बेस्ट क्वालिटी के साड़ी है जो मैंने मीशो से परचेज की है वो सब आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये करवा चौथ स्पेशल हॉल होने वाला है। आज का जो वीडियो है स्पेशली करवा चौथ को ध्यान में रख के मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि सभी अपने रेड कलर की साड़ियाँ जो अच्छी क्वालिटी के है वो मैंने इकट्ठा किए हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये सभी साड़ी आप करवा चौथ पे वेयर कर सकते हो। अफोर्डेबल रेंज से लेके 1000+ तक की भी साड़ी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और बहुत अच्छी अच्छी है, गुड क्वालिटी की है जो मेरे पास है, मुझे पसंद है और जो अच्छे लगते हैं देखने। और जो मुझे लगा इस करवा चौथ पे हम वेयर करके काफी खूबसूरत लुक अचीव कर सकते हैं, वो सभी साड़ियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं टोटल 10 साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इनमें से अगर आपको कुछ पसंद आता है, आप परचेज करना चाहते हैं, तो सभी का कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इजीली मीशो से परचेज कर सकते हैं। सभी तक आपने अगर मीशो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वहां पे आपको मीशो ऐप का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप मीशो ऐप डाउनलोड करके ये सभी कोड वहां टाइप करके आप परचेज कर सकते हो। और ये सभी साड़ी मुझे बहुत पसंद है। इतने सारे साड़ी हो गए हैं और बहुत सारी साड़ी और भी रेड कलर की है, बट मैंने 10 साड़ी ही इसमें ऐड करी है। और कुछ जो साड़ी है वो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, और कुछ जो साड़ी वो मैंने पिछले साल लगभग इतने दिनों में जो मैंने परचेज किया उन सब में से मैंने चूज किया है। सो बहुत सारी साड़ी है रेड कलर की, बट अभी मैं 10 साड़ी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप करवा चौथ पे ले सकते हो और वेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी करवा चौथ आने में इतना टाइम है कि अगर आप ऑर्डर करते हो अभी तो आपके पास आ जाएगी ये सभी साड़ी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं रेड साड़ी कलेक्शन करवा चौथ स्पेशल साड़ी हॉल। सो फ्रेंड्स आज के कलेक्शन की मैं फर्स्ट साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, रेडी टू वेयर पार्टी 1 मिनट साड़ी जो कि रेड कलर में है मेरे पास, और ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ 5-6 महीने पहले शेयर किया था। और ये साड़ी तब से मुझे पसंद है और कभी मौका भी नहीं मिला मुझे ये साड़ी किसी वेडिंग वगैरह में पहन के जाने का, तो वैसे ही रखी हुई है। और ये करवा चौथ पे अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इवन आप किसी वेडिंग फंक्शन में पार्टी वगैरह में जाते हैं तो भी पहन सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये साड़ी कुछ इस तरीके का है, लाइकरा फैब्रिक है इसका। सभी की प्राइस विद द स्क्रीनशॉट जितने में मैंने परचेस किया था उसका स्क्रीनशॉट मैं मेंशन कर रही हूँ, जितने में मैंने इस साड़ी को परचेज किया था उसका स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रही हूँ। सभी के प्राइस अप एंड लो होते रहते हैं, तो जो कोड मैं दूंगी उस कोड के थ्रू जाके आप चेक कर लीजिएगा, किसी का प्राइस कम हो गया रहेगा, किसी का बढ़ गया होगा, यही हो सकता है, बट मैं कोड सबकी प्रोवाइड कर दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोड चेक कर लीजिएगा। सो ये लाइकरा फैब्रिक में मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये हुक दिया रहता है जो कि आप यहाँ पे कमर में टक करके इस तरीके से राउंड ला के इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा लोगे तो ये आपका ना काम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लग जाता है। और आगे में जो प्लीट्स आएगा या फिर साइड में जो आता है वहां पे ये इस तरीके से ब्रॉच टाइप का यहाँ पे वर्क बना हुआ है, काफी सुंदर सा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, आप देख सकते हो बड़े बड़े सीक्वेंस लगे हैं और जो रिबन फ्लावर होते हैं ना वो लगे हुए हैं रेड कलर के। फिनिशिंग अच्छी है, नेट के फैब्रिक पे इसको बिठाया गया है, काफी सुंदर लग रहा है रेड कलर में। और ये इसी में अटैच है ये पल्ला जो कि ये भी प्लीटेड है और इस पे भी एम्ब्रॉयडरी की गई है इस तरीके से। बस आपको ऐसे लेके रख लेना है, इसमें कोई तामझाम नहीं है ज्यादा प्लीट्स वगैरह बनाने के लिए। अगर आप जल्दी जल्दी में रेडी हो रहे हो ना तो ये सब साड़ियाँ बहुत अच्छी होती है, बस फटाक से लगा लो और रेडी हो जाओ तो आपको ज्यादा पेन प्लीट्स करने की ज्यादा टेंशन नहीं होगी। सो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सा ये ब्रॉच मिल जाता है और इसको आप अपने है ना पेटीकोट के ऊपर वगैरह पहन सकते हो। सो ये है इसका पल्ला, और इसके साथ ना बहुत खूबसूरत सा आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाता है, मीन्स की स्टिच्ड ब्लाउज है, तो ये बहुत सुंदर सा आपको ये ब्लाउज मिल जाता है। ये ब्लाउज का फ्रंट लुक है जहाँ पे आपको ना यहाँ पे मिल जाता है ये काम इस तरीके से, और ये 3/4 स्लिप्स है बट यहाँ तक मुझे आती है, और यहाँ बहुत सुंदर सा इसके स्लिप्स में नेट में स्टोन बीड्स लगे हुए हैं, स्लिप्स पे भी ये यहाँ पे सिक्वेंस का काम हो रखा है, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सा काम हो रखा है दोनों स्लिप्स में। और इसका बैक पार्ट जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, ये देख सकते हो आप किस तरीके से बैक पार्ट में भी इसको में काम किया गया है,
बड़ी बड़ी सीक्वेंस है, रोज का लगा हुआ है। और ये ब्लाउज जो है वो पैडेड है, इसमें कैप लगा हुआ है। ओपन अप के लिए यहाँ पे आपको ये चेन मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी के जिपर है। और बैक में ऑस्टर भी लगा हुआ है सैटिन फैब्रिक का, और इसमें आपको मार्जिन भी मिल जाता है। और बढ़िया से इसमें कैप भी लगे हैं, अच्छी क्वालिटी से, अच्छी फिनिशिंग के साथ इस पर स्टिच किया गया है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये आपके करवा चौथ पे तो आप वियर करोगी, साथ ही आप किसी वेडिंग फंक्शन में भी इसको वियर कर सकते हो। सो ये मेरी फर्स्ट साड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज के हॉल की, आई थिंक। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको पसंद आई तो आप परचेज कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट साड़ी मेरा ये है सदा सौभाग्यवती भव एडिशन का रेड कलर का सिफॉन फैब्रिक में ये साड़ी, और अभी का ये ट्रेंडिंग साड़ी है, सभी साइट्स पे बहुत ज्यादा धमाल मचा रहे हैं। इसे मैंने मीशो से परचेज किया है, सभी का प्राइस विद दी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है इसका, है ना, मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है, क्वालिटी भी बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर सा आपको ये बॉर्डर मिलता है, जो खूबसूरती है ये साड़ी की ना, इसमें बॉर्डर ही है, बाद बाकी कहीं कोई काम नहीं किया गया है। फैब्रिक बहुत अच्छा है इसमें दिया गया, और इसमें आपको बहुत सुंदर सा पूरा है ना इसी तरीके का काम मिल जाता है, इस तरीके का सदा सौभाग्यवती भवन लिखा हुआ है, अच्छी क्वालिटी से भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो बहुत सुंदर से लिखा हुआ है, सीक्वेंस जड़ी का काम किया गया है। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, इतनी ब्रॉड सी बॉर्डर मिल जाती है, फैब्रिक क्वालिटी बहुत सुंदर। इसका ट्राई एंड पार्ट देख के आप फुल लुक क्लियर कर ले सकते हो कि देखने पहनने के बाद लुक कैसा आएगा। सो आंचल में भी ये लेंथ बहुत अच्छी दी गई है, फैब्रिक क्वालिटी भी बढ़िया है, ले सकते हो आप लोग अगर आप लोगों को पसंद है, लेना चाहते हैं तो। ये आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है, ब्लाउज पीस के फैब्रिक का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और सेम यही बॉर्डर आपको मिल जाता है ब्लाउज पीस में जो कि साड़ी में दिया गया है। सो ये साड़ी भी आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि बहुत सारे सेलर है मीशो पे अवेलेबल, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलर है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में भी सेल करते हैं, बट बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं इसको ऑर्डर करने के बाद कैसी आएगी, ये क्वालिटी कैसा होगा। सो मुझे जो रिसीव हुआ है, अगर आप सेम क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो सेम कोड के साथ आप जा सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। नेक्स्ट साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स सिल्क फैब्रिक में। बहुत लोग आजकल सिल्क फैब्रिक जो है वो एवरग्रीन साड़ी है, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाती है, और सिल्क साड़ी वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। आप जब सिल्क साड़ी में प्रॉपर रेडी हो जाते हो, गजरा बैंगल्स और पूरा मेकअप करके अगर आप पूरा अच्छे से ट्रेडिशनल फ्लावर वगैरह लगा कर रेडी हो तो ना, सिल्क साड़ी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी साड़ी से, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। ये सिल्क साड़ी भी कुछ उसी तरीके का है, और ये एक पटोला स्टाइल सिल्क साड़ी है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी खूबसूरत ये साड़ी है। ये आपको साड़ी का पल्ला मिल जाता है जिसमें इस तरीके से पटोला वर्क में के काम किया हुआ है, काफी सुंदर सा है, कलरफुल। और ये साड़ी भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, सेलिब्रिटीज इन साड़ियों को पहन रही है, हम और आप क्या ही कह सकते हैं। सो ये बहुत सुंदर सी ये साड़ी है, इसमें ओवरऑल जितनी काम है, जितने वर्क है, जितने लुक है, सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये आपको मिल जाता है इस तरीके से पल्ला, और पल्ले में ये बॉर्डर मिलता है, उसके बाद ये आपको मिल जाता है साड़ी। साड़ी में भी सेम बॉर्डर है जो पल्ले में है, और टॉप और बॉटम का जो बॉर्डर है वो सेम है साड़ी में, और कुछ इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी मीडियम साइज़ की बूटी इसमें बना हुआ है। ये जो मोटिफ है ना, बहुत सुंदर सा विविंग किया गया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, और पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि रेड कलर और करवा चौथ, चूड़ा और गजरा बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। सो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, काफ़ी प्यारा है ये साड़ी, कुछ इस तरीके का आपको पूरा मिल जाता है ये साड़ी, और बहुत सुंदर सा है। आप इस साड़ी को तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है, अगर सिल्क फैब्रिक में कुछ परचेज करना चाहते हो तो इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। पूरा साड़ी आपको इसी तरीके का मिल जाता है, यहाँ पे बस हल्का सा प्लेन पार्ट है, बट बॉर्डर आपको पूरा मिल जाता है, देखा जाए तो कहीं प्लेन पार्ट नहीं, बस ये थोड़ा सा, बट रनिंग बेस में पूरा बॉर्डर आपको मिल जाता है, और इसी में अटैच आपको ये मिल जाता है येलो कलर में ब्लाउज पीस, काफ़ी खूबसूरत ब्लाउज पीस भी दिया गया है इस साड़ी का, जो इसमें छोटे छोटे बूटी हो रखे हैं, तो बनने के बाद ये ब्लाउज काफ़ी खूबसूरत लगेगा। सेम रनिंग बेस में ही टॉप और बॉटम में इसमें बॉर्डर भी मिल जाता है, तो आप स्टिच करा सकते हो। आप देख सकते हो इस बॉर्डर में कितनी अच्छी खूबसूरत सी वीविंग की गई है, लीफ पैटर्न ट्री टाइप का बना हुआ है, मुझे ये पसंद आया है, आप भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में सिफॉन फैब्रिक में अगर आप लेना चाहते हो, नीलघर ब्रांड का है,
और इसे मैंने मीशो से ही परचेज किया है रेड कलर में। ये भी बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, लाइट वेट है। अगर आप करवा चौथ के दिन इसे वेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर दिन में जो सुबह में सर्गही कहा के जो सुबह दिन भर पहनना होता है ना, उसके लिए भी ये लाइट वेट साड़ी है तो आप ले सकते हो। ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है पर्सनली, क्योंकि एक तो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, साथ ही बहुत सुंदर सी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी सी इसने इस पे ना बांधनी बूटी बनी हुई है, और सभी पे बीड्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे सभी पे बीड्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टोन बिठाए गए हैं, चिपकाया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सुंदर सा येल्लो कलर का पाइपिंग मिल जाता है, सो दैट कि आप इस साड़ी को येल्लो ब्लाउज के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि इसमें येल्लो का पाइपिंग दिया गया है। गोटा पट्टी की लाइनिंग है और इसमें ना इस तरीके से चौली सी पट्टी लगाई गई है, जिसकी वजह से इसका जो बॉर्डर है वो काफी खूबसूरत सा पट्टी के टाइप का हो जाए, जो आपके शोल्डर पे अच्छे से अड़े। सो ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है, फैब्रिक भी सिफॉन है, काफी कंफर्टेबल है पहनने में, लाइट वेट है, पूरा साड़ी आपको इसी तरीके का मिल जाता है। और यहाँ पे इसी में अटैच आपको मिल जाता है ये ब्लाउज पीस, सॉरी ये रहा ब्लाउज पीस, येलो कलर में दिया गया है, प्लेन ब्लाउज पीस है, इतना सा मिल जाता है आपको लेस बॉर्डर, जो कि आप बैक में दिला सकते हो, यहाँ पे बैक में कमर में दिला सकते हो। सो ये साड़ी भी अफोर्डेबल प्राइस में बहुत खूबसूरत है, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो नेक्स्ट साड़ी भी न्यूली मैरिड ब्राइड के लिए भी हो सकता है, फिर आपकी शादी पहले से हो रखी है तो भी वेयर कर सकते हो। काफी खूबसूरत सा साटिन सिल्क फैब्रिक में ये साड़ी है, और मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ना बहुत सुंदर लुक आता है, कंप्लीटली नई दुल्हन लगोगे आप। सो कुछ न्यू मैरिड लुक चाहिए ना तो भी आप ये साड़ी वेयर कर सकते हो, काफी सुंदर सी है। और ये अभी नई साड़ी के प्राइस आई थिंक कम गई है, जब मैंने इसे लिया था तब 1300 या 1400 में मैंने लिया था, बट अभी शायद इसकी प्राइस कम गई है, आप चेक कर लीजिएगा, कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। इस साड़ी का जो पल्ला है ना बहुत ज़्यादा रिच है, पल्ले में ही आपको पहले ये ब्लाउज पीस मिल जाता है जो कि साटिन सिल्क फैब्रिक में ही है, जो फैब्रिक साड़ी का है। सो ये ग्रीन कलर का आपको ब्लाउज मिल जाता है, और लिटरली आप ये ब्लाउज स्टिच करवा लोगे तो इस साड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये बॉर्डर मिल जाता है आपको ब्लाउज पीस में, जो कि ग्रीन कलर में ही है और गोल्डन जरी के वीविंग से हुआ है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। टॉप और बॉटम दोनों में आपको यही बॉर्डर मिल जाता है ब्लाउज पीस में, और पूरा ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो प्लेन दिया गया है। अब बात करते हैं पल्ले की। पल्ली जो है इस साड़ी की इतनी ज़्यादा रिच है कि आप पूछो ही मत, कितनी ज़्यादा रिच है, देख सकते हो आप कितना सुंदर इसका पल्ला। साड़ी का पल्ला बहुत पसंद आया है क्योंकि ये पूरा विविंग किया हुआ है और एकदम से दुल्हन वाला लुक इसमें आएगा। इसमें आपको बीड्स भी चिपकाया हुआ मिल जाएगा इस साड़ी में, काफी खूबसूरत सा है इसका बॉर्डर भी, और साथ में इसका पल्ला भी फुल जरी का काम किया गया है। और इसकी रिवर्स साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है, थोड़ा भी कहीं से कुछ नहीं निकला है, जो कि आपके बैंगल या फिर ज्वेलरी वगैरह में फंसे कुछ भी नहीं निकला है। सो ये प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला इस साड़ी के साथ। और इसमें आपको ये इस टाइप की छोटी बड़ी बूटी मिल जाती है, जो कि इस पे ना वीविंग किया गया है इस तरीके से, आपको बैक फिनिशिंग के साथ मिल जाती है, काम किया गया है, बहुत सुंदर सा है। और इसका साड़ी का जो टॉप और बॉटम का बॉर्डर है सेम मिल जाता है आपको इसी तरीके से जैसा आपको दिख रहा है, और सभी में बीड्स लगा हुआ है, पूरा साड़ी ओवरऑल आपको इसी तरीके का मिलेगा। यहाँ पे ना आपको कमर के नीचे ये मिलता है, ऊपर में प्लेन है, यहाँ तक आपको आँचल मिलता है, आँचल में बहुत दूर तक काम हो रखा है। ये पूरा साड़ी आपको इसी तरीके का मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन पार्ट है बट बॉर्डर के साथ है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपको पसंद आए तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है ये साड़ी। मैं साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये रेड कलर में ही है, मरूनी रेड है, बट इसपे ना फॉइल प्रिंट का भी काम मिल जाता है आपको, और इसकी मुझे ना कोड मिल नहीं रही है, बाय द वे स्क्रीनशॉट मुझसे लग रही है डिलीट हो गई है, और मैं इसकी कोड भी इशू पे बहुत खोज रही हूँ, मिल नहीं रही है मुझे। अगर मिलेगी तो मैं इसकी कोड प्रोवाइड कर दूंगी, अगर नहीं मिलेगी तो सो सॉरी। ये जो साड़ी है बहुत ही सुंदर सा है, लाइट वेट है, जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल है इसका, और पहनने में कंफर्टेबल है। ये साड़ी में ना आपको पूरा इस तरीके से बांधनी प्रिंट का काम मिल जाता है, मैं दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो गोल्डन कलर में जो साइन कर रहा है वो फॉइल प्रिंट है, और जो ये येलो व्हाइट में आपको दिख रहा है वो डिजिटल प्रिंट है फैब्रिक में ही, वो वॉश होने के बाद भी नहीं जाएगा, बट ये जो फॉइल प्रिंट है मे भी 4-5 वॉश के बाद हल्का सा ना इसका लाइट जो है वो डाउन हो सकता है। फॉइल प्रिंट की ये एक सच्चाई है,
कि अगर किसी भी कपड़े में फॉइल प्रिंट का काम हुआ है, सूट हो, साड़ी हो या कुछ भी हो, उस पे आपको फॉइल प्रिंट का मिल रहा है, मीन्स कि वो 4-5 वॉश के बाद ना हल्का सा उसका जो साइन है वो कम हो ही जाता है. फॉइल प्रिंट कितना भी महंगा आप ले लो, उसका साइन जो है एक टाइम के बाद कम हो जाता है. सो इस साड़ी में भी वो प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये साड़ी लेते हो तो. सो अगर आप शॉर्ट यूज के लिए या फिर घर में पहनने के हिसाब से, डेली वेयर के हिसाब से लेना चाहते हो तो ले सकते हो. बस मैंने करवा चौथ में इसको इसलिए ऐड किया कि सुबह में हम नहा के जो साड़ी थोड़ा सा पहनते हैं ना शाम में, तो फिर हम प्रॉपर रेडी होते हैं. बट जब आप सुबह में नहाते हो, शगई कर खाते हो, पूजा पाठ करते हो, उस समय से पूरे दिन के लिए पहनना चाहते हो थोड़े टाइम के लिए, तो आप ये साड़ी ले सकते हो. क्योंकि उस समय भी ज्यादातर हम प्रीफर करते हैं रेड कलर ही पहनना हमारे तरफ, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ. सो यहाँ पे आपको ये टैसल्स मिल जाता है. वैसे भी अगर आप पूजा पाठ में चढ़ाने वढ़ाने के हिसाब से लेना चाहते हो गढ़वा माता वगैरह को, तो उस हिसाब से भी आप रख सकते हो. ये साड़ी अफोर्डेबल प्राइस की है, क्वालिटी अच्छा है कपड़ा का, और ये सुंदर भी लगता है, पहनने के बाद लुक बढ़िया आता है. सो ये साड़ी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, अफोर्डेबल प्राइस की है, तो आप डेफिनेटली साड़ी को भी परचेज कर सकते हो. सो इसके साथ ना आपको यहाँ पे ये मिल जाता है ब्लाउज पीस. फैब्रिक का क्वालिटी ब्लाउज पीस का अच्छा दिया गया, बट इसमें कहीं कोई बॉर्डर नहीं है, प्लेन है. तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रेड कलर की ब्लाउज है उसके साथ आप इसको वेयर कर सकते हो. नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगेन रेड कलर में सिफॉन फैब्रिक में, जिसमें आपको यह जड़ी का काम मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत ही सुंदर सा फ्लोरल बूटी का मोटिफ बना हुआ है, जड़ी से वीविंग किया हुआ है. और ये बहुत सुंदर है, काफी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, पहनने में काफी सुंदर सी ये साड़ी है. तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को परचेज कर सकते हो. इसमें आपको स्टार्टिंग यहाँ से होता है, जहां पे कोई अलग पैटर्न पल्ले के लिए नहीं बना है, एक ही जैसा आपको स्टार्ट टू एंड मिलता है. सो यहाँ से ये पतला सा बॉर्डर मिल जाता है जड़ी का, और पूरे में इस साड़ी में ना आपको इस तरीके से ये मोटिव बना हुआ है, वीविंग किया हुआ है. इसकी रिवर्स साइड कुछ इस तरीके की फिनिशिंग के साथ आएगी, और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है. काफी आपके बॉडी में ना चिपका चिपका सा रहता है, स्लीक स्मार्ट सा लुक आता है. इसमें आप का जो मोटापन है वो कम दिखेगा, स्लिम फिट साड़ी आप इसको बोल सकते हो. सो ये साड़ी आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो स्लिम लुक के लिए. बस इसमें आप फॉल्स पिको करा लोगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा. सो ये पूरा साड़ी आपको इसी तरीके का मिल जाता है, जिसमें ना रोज का बना हुआ है. मैंने साड़ी को उल्टे पकड़ ली है इसलिए फ्लावर जो है वो उल्टे दिख रहे हैं. सो ये कुछ इस तरीके का है, अब सीधा हो गया. हाँ, तो इस तरीके से दिखेगा आपको. और पूरा लास्ट शुरू से साड़ी ना ऐसा ही है, कहीं कोई पल्ले का इसमें डिजाइनिंग नहीं हुआ है. स्टार्ट यहां से हो रहा है और आपका जो एंड है वो भी इसी तरीके से खत्म हो रहा है. सो ये पूरा साड़ी आपको इसी जैसा ही मिलेगा एक तरह कहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कहीं कोई प्लेन पार्ट नहीं है, ओवरऑल जो लुक है वो इक्वल आएगा. और इसके साथ ना आपको अलग से ये ब्लाउज पीस मिल जाता है. ब्लाउज पीस की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है, सो आप इस ब्लाउज पीस में स्टिच करा सकते हो. 90 सेंटीमीटर का आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाता है, तो आप इसको ना ब्लाउज पीस को भी स्टिच करा सकते हो अस्तर दिला के. अच्छी क्वालिटी की ब्लाउज पीस है, इसको अगर आप स्टिच कराते हो तो और भी दूसरे साड़ियों के साथ इसको आप मैच करके पेयर अप करके वियर कर सकते हो. सो ये सुंदर साड़ी है, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो सिफॉन फैब्रिक में. नेक्स्ट साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगेन ये सिफॉन फैब्रिक में ही, काफी सॉफ्ट, सबसे ज्यादा सस्ती आई थिंक यही साड़ी है आज के हॉल की. ये भी कैजुअल वेयर के हिसाब से या फिर करवा चौथ में छोटे मोटे पूजे थोड़े टाइम के लिए अगर आप पहनना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो. रेड कलर में है. अगर आप भारी भरकम साड़ी नहीं पहनना चाहते हो, नहीं पहनना पसंद है आपको, लाइट वेट हल्की फुल्की साड़ी पहनना चाहते हो, सो उस हिसाब से आप ये साड़ी रख सकते हो, ले सकते हो. इस साड़ी में ना आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है, आप देख सकते हो, जिसपे ना ये मोटिव जो होते हैं, ये फॉइल प्रिंट नहीं है, जो ग्लू स्टोन होते हैं ना वो है. ये ग्लू स्टोन है जिससे बॉर्डर बना है, और पूरे साड़ी में आपको इस तरीके से ये बूटी मिल जाता है इस तरीके से. सो ये है साड़ी का पल्ला. पल्ले में आपको इसी तरीके से ग्लू स्टोन का बॉर्डर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी साइन करता है, पहनने के बाद काफी खूबसूरत लगता है. सो ये बॉर्डर है, आपको पूरे साड़ी में मिल जाता है. आपको यहाँ पे पिको और फॉल्स कराना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके से इसका ना फंस रहा है, निकल रहा है, तो इसको ना पिको कराना ही पड़ेगा. और सिफॉन फैब्रिक है, सो काफी सॉफ्ट है कपड़ा, काफी ज्यादा लाइट वेट भी है, पहनने के बाद बहुत स्लिम लुक भी आएगा आपका. इसमें आपका बॉडी बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा इसमें. सो ये पूरा आपको ये बॉर्डर मिल जाता है ऊपर तक, और ये आपको यहाँ से ना आंचल तक आपको पूरा ये बूटी मिल जाता है. उसके बाद यहाँ से ऊपर में बूटी नहीं है, नीचे में बूटी है, प्लीट्स जहाँ आप बनाओगे वहां के लिए. तो काफी सुंदर सी ये साड़ी है, आप इसको यूज कर सकते हो. काफी लाइट वेट भी है, कंफर्टेबल भी है पहनने में. इस साड़ी के साथ आपको ना ये वाला ब्लाउज पीस मिल जाता है, सिमिलर जैसे पिछले वाली साड़ी के साथ थी,
उसी टाइप की। ये ब्लाउज पीस भी काफी अच्छी क्वालिटी की है और आप ना इसको स्टिच करवा सकते हो औस्तर दिला के, बैक से इसकी ऐसी फिनिशिंग है। काफी सुंदर सी है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगेन एक पंजाबी पटोला स्टाइल साड़ी जो कि रेड कलर में है, सिल्क साड़ी है ये भी काफी खूबसूरत है और मुझे ये साड़ी भी बहुत ज्यादा पसंद आई है। इस तरीके की ना पटोला स्टाइल वाली 4-5 साड़ियां हो गई है मेरे पास। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि क्या मैं अपना पटोला स्टाइल साड़ी का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स तो अभी नहीं मिला है बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि देखती हूँ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं। ये इस साड़ी का ना पल्ला है, आप देख सकते हो काफी खूबसूरत सा इसमें भी पल्ला दिया गया है, बहुत सुंदर सा पटोला स्टाइल में ये पल्ला मिल जाता है और अगेन इसमें टेसल्स दिया हुआ है इसके बॉर्डर में साड़ी में। ये भी काफी खूबसूरत सा इसका पल्ला का वीविंग का पैटर्न है, बहुत सुंदर लग रहा है रेड कलर में और ये साड़ी का आपको बॉर्डर मिल जाता है, ब्रॉड सा बॉर्डर है, काफी सुंदर वीविंग किया गया है इसमें और पिकॉक का जो पैटर्न है वो भी बहुत सुंदर है, क्लासिक लुक देने वाला ये साड़ी है, एवरग्रीन, जो भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगी, जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाएगी, हमेशा ट्रेंड में फैशन में रहने वाली ये साड़ी है, सदाबहार साड़ी। इसमें ना छोटी छोटी बूटी मिल जाती है, इससे पहले जो सिल्क साड़ी दिखाई थी उसमें बड़ी बड़ी बूटी थी, इसमें छोटी छोटी बूटी है, पिकॉक की जो साइज शेप होती है वो बनी हुई है। पूरा साड़ी में आपको ये बूटी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये साड़ी का पल्ला है आप देख सकते हो, बॉर्डर जो है साड़ी में टॉप और बॉटम का सेम मिलता है आपको, इस साड़ी में सेम बॉर्डर है जैसा कि आप देख रहे हो और पूरे साड़ी में आपको यही बूटी मिल जाती है काफी सुंदर सी और पूरे साड़ी में ये बूटी है ऊपर तक, ऐसा नहीं है कि आंचल के बाद नीचे में सिर्फ बूटी है ऊपर में नहीं है, नहीं आपको ये पूरे साड़ी में ऊपर तक ये बूटी मिल जाती है पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन पार्ट है बट बॉर्डर दिया गया है टॉप और बॉटम दोनों में जो कि आप कमर में टक्करोगे एकदम थोड़ा सा और इसी में आपको ये बहुत सुंदर सा ब्लाउज पीस मिल जाता है जिसमें फुल पंजाबी वर्क हो रखा है। ब्लाउज पीस की क्वालिटी भी अच्छी है, पूरा विविंग किया गया है आप देख सकते हो, येलो कलर में आपको मिल जाता है जिसमें आपको इस तरीके की विविंग मिल जाती है। ब्लाउज पीस की रिवर्स साइड कुछ इस तरीके की फिनिशिंग के साथ है, इसमें आपको औस्त दिला के स्टिच कराना पड़ेगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत सुंदर है। सेम साइज का आपको सेम पैटर्न का रनिंग बेस में ही ब्लाउज पीस में भी आपको बॉर्डर मिल जाता है। इसकी भी प्राइस ठीक है, आप डेफिनेटली साड़ी को परचेज कर सकते हो। करवा चौथ के हिसाब से ये साड़ी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ओके फ्रेंड, आज के कलेक्शन के लास्ट साड़ी है मेरे पास अगेन पंजाबी वर्क में ही और पटोला स्टाइल ही इसका डिजाइन है बट ये इसका जो फैब्रिक है वो आर्ट सिल्क है, सॉफ्ट वाला जो होता है ना फैब्रिक वो दिया गया है। इसका फैब्रिक भी बहुत सुंदर है और ये साड़ी भी मैंने आप लोगों के साथ काफी पहले शेयर की थी और मुझे अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा ट्रेंडी है ये साड़ी अभी भी। ये साड़ी भी आप चाहे तो ले सकते हैं कुछ इस तरीके का, इसका ये पल्ला मिल जाता है आपको पल्ले में ना इस तरीके का। सिल्क साड़ी में क्या है बेसिकली ये जो पैटर्न है वो विविंग किया होता है बट इसमें जो है ये आर्ट सिल्क है, इसमें ना ये प्रिंट है, डिजिटल प्रिंट है जो कि वॉश होने के बाद भी नहीं निकलेगा। रिवर्स साइड अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से है इसकी, आप देख सकते हो प्रिंट है ये साड़ी में, ऐसा नहीं है कि फॉइल प्रिंट है निकल जाएगा, जी नहीं, डिजिटल प्रिंट है, वॉश होने के बाद भी नहीं निकलेगा। आप इन सभी साड़ी को हैंड वॉश कर सकते हो घर में भी। इस साड़ी में आपको ना ये गोटा पट्टी का बॉर्डर मिल जाता है, नेट फैब्रिक के ऊपर गोटा पट्टी का काम किया गया है, काफी खूबसूरत सा ये बॉर्डर है, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। व्हाइट कलर के नेट के ऊपर ये गोल्डन गोटा पट्टी का काम किया गया है, गोटा पट्टी जो स्टिच किए गए हैं उसमें काफी अच्छी मशीन से स्टिच किया गया है तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ भी है और अच्छी क्वालिटी भी है। ये साड़ी का आपको पल्ला मिल जाता है और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा साड़ी, पूरे साड़ी में आपको यही प्रिंट मिलता है पटोला स्टाइल, जो वीविंग होता है पंजाबी साड़ी का जो पैटर्न है वो इसमें ना प्रिंट किया गया है और टॉप और बॉटम में आपको ये बॉर्डर मिल जाता है, ये आंचल का बॉर्डर है, यहाँ से आपको ये प्लेन बॉर्डर मिलता है। पूरा साड़ी आपको इसी तरीके का मिलता है और इसके साथ आपको अलग से मिल जाता है रेड कलर में ये ब्लाउज पीस, पीस के फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा दिया गया है और सेम आपको यही बॉर्डर मिल जाता है ब्लाउज पीस में, 90 सेंटीमीटर का आपको ये ब्लाउज पीस मिलता है, आप इसमें औस्त दिला के स्टिच करा सकते। इस ब्लाउज के साथ ये साड़ी ना बहुत सुंदर लगेगा तो डेफिनेटली आप इन सभी साड़ी को ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करवा चौथ स्पेशल रेड साड़ी का कलेक्शन मेरे वार्डरोब से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी साड़ी आई है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, चेक कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी पसंद आए, आपको मेरे कलेक्शन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं मनीषा मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।